इधर खड़ी है और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में, ये समझ जाएं, ये समझ जाएं कि मैं इमरान खान एक आजाद आदमी हूं। मुझे मौत, मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे मार दे, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता। गुलामी से बेहतर मौत है, क्योंकि ला इला इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के मैं किसी के सामने नहीं झुकता। मैं चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हम अपने मुल्क में आजाद रखने के लिए हमें एक मजबूत फौज चाहिए। और जब मैं तनकीद करता हूं, तामीरी तनकीद होती है। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तो सादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन हम जब तनकीद करते हैं तमीरी तनकीद है। और इसलिए कोई इस गलत फहमी में ना रहे हिंदुस्तान में कि कौम कभी भी अपनी आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अजान हो रही है, मैं आप आगे निकलने लगा हूं। मैं सबको आपको कहता हूं कि हमारी अब हकीकी आजादी की जहाद है, और सारी कौम मेरे साथ चले, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।